हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल में एमडीएन पब्लिक स्कूल क्लार्क के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे क्लास प्लस टू के चैप्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक निगम पार्ट वन। पब्लिक हेड का चैप्टर है ये लोक प्रशासन का। आज हम पढ़ेंगे लोक निगम। और सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देखते हो, एक मिनट चला के ये ऑनलाइन उसी समय सोचते हैं कि बहुत बढ़िया लिखा हुआ है और उसको चले जाते हैं छोड़कर। लेकिन सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको कुछ ही पता नहीं लगेगा। आप वीडियो को भी देखें, पुस्तक को पास में रखें और एक कॉपी पेन भी साथ में रखें। जैसे जैसे कोई बात कान में पड़ती है आप उसको साथ साथ कॉपी पे नोट करें, जिससे कि आप एक सुंदर से नोट्स भी बनाए ना पाओगे जो आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल भी होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक निगम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोक निगम क्या है। लोक निगम का अर्थ क्या है, जो लोक निगम का अर्थ क्या है, पब्लिक कॉरपोरेशन। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है बेटा, कॉरपोरेशन क्या होते हैं, निगम। जो कॉरपोरेशन निगम है ये अंग्रेजी भाषा का वर्ड है जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है निगम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन, और इंग्लिश में क्या होता है, निगम। निगम का अर्थ होता है, निगम का क्या अर्थ होता है, निरंतर चलने वाला, निरंतर चलने वाला व्यापारिक संगठन। बहुत सारे विद्वान होते हैं, थ्योरिकल में बिजनेस पढ़ते हैं, पब्लिक हेडलाइट, तो सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे कि वो लोक निगम को क्या क्या परिभाषा दे रहा है। तो इसके मुख्य प्रोफेसर हैं चैंबर सवदकोश। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि निगम एक ऐसा निकाय समूह है, कि निगम एक ऐसा निकाय और समूह है जो एक व्यक्ति की तरह, जो क्या है, एक व्यक्ति की तरह रहने वाले कानून के द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। लोक निगम, अपते हैं देखते हैं लेटर्स नाउ स्टार्ट। लोक निगम का उद्देश्य, बड़ी सोच समझ के बुक से लिखे हुए क्वेश्चन है। लोक निगम का उद्देश्य 20वीं शताब्दी की प्रशासनिक खोज की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अर्थात उन्होंने क्या कहा, जिस समय लोक निगम का उद्देश्य हुआ, कौन सी शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, तो इस बात को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोक निगम का उदय हुआ। कब हुआ, 20वीं शताब्दी में। विश्व के सभी राष्ट्रों में, विश्व के जितने भी राष्ट्र है सभी में लोक निगम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। क्या कहना चाह रहा है कि विश्व के जितने भी राष्ट्र है उसमें लोक निगम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। 19वीं शताब्दी में लोक निगम प्रारूप को ऑस्ट्रेलिया में रेलवे प्रबंध के लिए अपनाया गया। सब सभी विद्यार्थी इसको अंडरलाइन कर लें। 19वीं शताब्दी में लोक निगम प्रारूप पहले, सबसे पहले कहां, ऑस्ट्रेलिया में रेलवे प्रबंध के लिए अपनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी का, आप सभी अंडरलाइन भी करें और इसको नोट भी करें। खास बात क्या है, लोक निगम तो आपने पढ़ा है, परंतु फर्स्ट ऑफ ऑल लोक निगम तो आपने पढ़ा है, प्लस वन में भी है, लेकिन लोक निगम का जो प्रारूप को तैयार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रेलवे प्रबंध के लिए अपनाया गया था। अब आगे बात करते हैं 20वीं शताब्दी में के, जब 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक आया अर्थात 20वीं सदी की शुरुआत हुई, तो दशक में इंग्लैंड ने पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी की स्थापना की। क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड ने
पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी की स्थापना निगम के रूप में कब की? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंग्लैंड ने पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी की स्थापना 20वीं शताब्दी में के रूप में की थी। जब यह बात पता लगी, किंतु कहता है परंतु वास्तविक प्रारूप में, परंतु वास्तविक प्रारूप में लोक निगम का जन्म, वैसे क्या बता रहा है कि रियल में जो हम वास्तविक रूप देखते हैं उसमें लोक निगम का जन्म सन 1927 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना के साथ माना जाता है। अगर कहें हम वास्तविक रूप से देखें कि लोक निगम की स्थापना कब हुई, तो इसका जन्म सन 1927 में ब्रिटिश ब्रॉड थे, कौन? कास्टिंग कॉरपोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉड कास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना के साथ ही हुआ माना जाता है 1927 में। लोक निगम सूत्र, जो लोक निगम है, पब्लिक कॉरपोरेशन है, अभिकरण होते हुए भी विभागीय संगठन तथा स्वतंत्र नियामित आयोगों से भिन्न रूप का होता है। इसमें लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों के गुण नियत होते हैं। साथ में क्या कह रहे हैं, जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्थात जो लोक प्रशासन है, और निजी प्रशासन जो अपना प्रशासन है, दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। यह दोनों प्रशासनों के अंतर को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात कहने का क्या काम है कि जब यह दोनों प्रशासनों के अंतर को कम करने के लिए पुल का कार्य करता है, अर्थात एक पुल होता है ना, जैसा देखा है आपने पुल पे चढ़ना, उसके अंतर कम करने के लिए बीच में कड़ी का कार्य करता है। लोक निगम में सरकारी नियंत्रण एवं वाणिज्यिक स्वतंत्रता का, लोक निगम में क्या है बेटा, लोक निगम में सरकारी नियंत्रण, किसी भी सरकारी काम के ऊपर कंट्रोल करना, और वाणिज्यिक स्वतंत्रता, कॉमर्शियल इंडिपेंडेंट का भी उचित एवं यथार्थ सम्मिश्रण पाया जाता है। अब उन्होंने डेफिनेशन दिया रूजवेल्ट के अनुसार, ये जो रूजवेल्ट लिखा हुआ है बेटा, इनका पूरा नाम है, बुक में नहीं दिया हुआ, आप लिख लें, इनका पूरा नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आपको फिर बता रहा हूं, जो ये रूजवेल्ट नाम दिया गया है, इनका पूरा नाम इतिहास में पढ़ते हैं आप लोग, पब्लिक एडमिन पॉलिटिकल का भी राइटर है ये, आप उन डेफिनेशन देते रहते हैं प्रोफेसर जी, इनका पूरा नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। के अनुसार लोक निगम सरकार की शक्ति का जामा पहने होता है। अर्थात क्या कहते हैं, जो लोक निगम है, सरकार की जितनी भी शक्तियां होती है उसके पक्ष में होती है, उनका जामा पहने हुए होता है। परंतु इसमें जो हम परंतु इसमें व्यक्तिगत रूप से देखें तो उद्यम की सी प्रेरणा और लचीलापन भी पाया जाता है। अर्थात उसमें ढीलापन, लचीलापन का अर्थ क्या होता है कि बिल्कुल भी सख्ताई नहीं होती है, ना तो अधिक सख्ताई होती है, ना अधिक नरम, अर्थात ढीलापन लचीलापन भी पाया जाता है। परंतु जब इसमें लचीलापन पाया जाता है तो इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवसायिक और निजी क्षेत्र में जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय काम धंधे, तो और उसका अपना जो क्षेत्र है उसमें राज्य के प्रवेश का ही परिणाम है, कि जो राज्य का प्रवेश का परिणाम है उसे ही क्या नाम दिया गया है, लोक निगम। लोक निगम लोगों का संसार, निगम निरंतर चलने वाला, कॉरपोरेशन इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में इसको क्या नाम है, निरंतर चलने वाला संगठन। अब बात करते हैं आधुनिक युग के वैज्ञानिक आविष्कार। आधुनिक युग के जो वैज्ञानिक आविष्कार है,
संचार के विकास, जब जब संचार के साधन का डेवलपमेंट हुआ है बेटा, तथा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक इंडस्ट्रीज एवं शहरी सभ्यताओं ने जिन जटिलताओं को उत्पन्न किया है, अर्थात जो शहर की जितनी भी जटिलता शान से शान सभ्यता हमारा रहना सहना को उत्पन्न किया है, उनके कारण ही राज्य का औद्योगिक जो राज्य है, उनकी जो सभ्यता है, हमारा रीति रिवाज है बेटा, उनके कारण ही औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में दोनों के दोनों फील्ड के अंदर पदार्पण अनिवार्य हो गया। राज्य क्या करते हैं, कुछ व्यापारों और उद्योगों को, राज्य क्या करते हैं, कुछ व्यापार और उद्योगों का नियंत्रण भी करता है तथा कुछ को अपने हाथ में ले लेता है। राज्य क्या करता है, कुछ उद्योगों और व्यापारों का नियंत्रण भी करता है और उसके बाद क्या करता है, कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनको अपने हाथों में भी ले लेता है। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले उपयुक्त संगठन की आवश्यकता पड़ती है। इसको अंडरलाइन करें, जो ये कार्य है इसको करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है बेटा, उपयुक्त संगठन की आवश्यकता होती है। लेकिन राज्य सरकारों के संगठन पर, अर्थात इसको याद रखें, अर्थात क्या इसने क्या कहा, लेकिन परंतु जो राज्य सरकार के संगठन है उस पर लाल किताशाही, निर्णय की देरी, कार्य कुशलता का अभाव तथा अधिकारियों की तानाशाही आदि आरोप भी लगाए जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, अगर हम राज्य सरकार के संगठन में लाल फीताशाही, निर्णयों की देरी, कार्य कुशलता का अभाव और अधिकारियों की जो तानाशाही है बेटा, उसके आदि के भी आरोप लगाए जाते हैं। जब आरोप लगाए जाते हैं तो उनके बाद उसकी जो कार्य करने की प्रणाली होती है उसके ऊपर भी क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। अगर कार्य का प्रणाली, कार्य करने की कोई प्रणाली है उसके ऊपर भी क्या लगते हैं, क्वेश्चन मार्क, अर्थात कि वो कार्य किस प्रकार से किया जाता है। वैसे भी व्यक्तिगत प्रशासन में जो लाभ, जो व्यक्तिगत प्रशासन है उसके अंदर जो लाभ है वो कार्य कुशलता में पाए जाते हैं, उसे प्राप्त करना भी सरकारी विभाग के लिए आसान नहीं है। अर्थात जो कार्य कुशलता करने के लिए विभाग में पाए जाते हैं उनके लिए भी कार्य करना आसान नहीं है। अब जो लोक निगम तथा सरकारी कंपनियां कहा जाता है, इसमें जो लोक निगम आते हैं, लोक निगम आ जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से निगम आते हैं बेटा, लोक निगम में आता है जैसे डीवीसी, क्या आता है, डीवीसी लोक निगम में कौन सा है, डीवीसी एक निगम है, लोक निगम कौन सा है, कोई वैली एनी स्टूडेंट्स, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम, ये भी एक इसका उदाहरण है। डीवीसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, आईओसी क्या है, डीवीसी की बात कौन सा है, आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बहुत सारे निगम है जैसे इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन भी है, IARL इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, ऐसे ही बहुत सारे निगम आदि हैं। इन जो ये लोक निगम हैं, इन लोक निगमों की कार्य प्रणाली सरकार की विभाग की कार्य प्रणाली से अलग होती है। इनके कार्यों में लचीलापन और स्वतंत्रता पाया जाता है। इसी कारण प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं रॉबसन। रॉबसन क्या कहते हैं, रॉबसन के अनुसार रॉबसन ने परिभाषा दी थी बेटा कि लोक निगम राजनीतिक संगठन में, लोक निगम क्या है, जो राजनीतिक संगठन में वैज्ञानिक विभागों के अंतर्गत सबसे अनूठा आविष्कार माना जाता है। जैसे कि आज हम लोक निगम पढ़ रहे हैं, लोक निगम का अर्थ है पब्लिक कॉरपोरेशन, अर्थात निगम का अर्थ क्या है बेटा, निरंतर चलने वाला संगठन। आपको पता है जो लोक निगम है, निगम कॉरपोरेशन इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी के अक्षर से लिया गया है और हिंदी का इसका रूपांतरण क्या है, निगम।
लोक निगम का उदय 20वीं शताब्दी में जब प्रशासनिक खोज हुई तो बड़ी बात तो लोगों ने माना कि इस उपलब्धि को बहुत महत्वपूर्ण कि इसकी खोज होना अनिवार्य था। विश्व के जितने भी राष्ट्र थे उसमें लोक निगम जो विश्व के जितने भी राष्ट्र थे उसमें लोक निगम किसी न किसी रूप में विद्यमान थे। 19वीं शताब्दी में जब लोक निगम का बात आई तो लोक निगम प्रारूप को 19वीं शताब्दी में लोक निगम प्रारूप को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया में रेलवे प्रबंध के रूप में अपनाया गया। उन क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया में रेलवे प्रबंध के रूप में क्या अपनाया गया, क्या लोक निगम, कब? 19वीं सेंचुरी में। 19वीं शताब्दी की बात है बेटा। जब 19 के बाद 20वीं शताब्दी आई तो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही इंग्लैंड ने पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी की स्थापना निगम के रूप में की। कब की? 20वीं शताब्दी। क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड ने पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी की स्थापना निगम के रूप में कब की, तो कब की बेटा? 20वीं शताब्दी में। परंतु इसको एक वास्तविक रूप देने के लिए लोक निगम का जन्म सन 1927 में। इतिहास के स्टूडेंट्स तो बता सकते हो क्या हुआ था? एनी स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी 1927 में लोक निगम के जन्म के अलावा क्या हुआ था बताओ? एसएस पढ़ते आप लोग ध्यान देंगे, सिक्स क्लास का क्वेश्चन आता है। साइमन कमीशन भारत आए थे, साइमन कमीशन नियुक्ति हुई थी 1927 में, और क्या हुआ था? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना के साथ यह माना जाता है कि लोक निगम सूत्र जो लोक निगम के सूत्र है वो अविकरण होते हुए भी विभागीय संगठन स्वतंत्र नियामिकी आयोगों से अलग रूप का था। इसमें लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन जो दोनों प्रशासन है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन है और निजी खुद का प्रशासन है, दोनों के गुण नियत थे। यह दोनों प्रशासनों को अंतर कम करने के लिए ये क्या करते, जो दोनों प्रशासन थे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन आपस में जो डिफरेंस था उसको कम करने का के कड़ी के रूप में कार्य करता था, पूर्व का काम करता था। लोक निगम में सरकारी नियंत्रण वाणिज्यिक स्वतंत्रता का उचित समीक्षण पाया जाता है। डॉक्टर रूजवेल्ट के अनुसार, मैंने कहा है इनका पूरा नाम क्या है बेटा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के अनुसार लोक निगम सरकार की शक्ति का जामा पहने होते हैं। जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है वो क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि लोक निगम सरकार की, जो लोक निगम है वो सरकार की सारी जितनी भी शक्ति है उसका जामा पहने होते हैं, अर्थात लोक निगम सरकार की शक्तियों के बिना अधूरा है। परंतु इसमें व्यक्तिगत उद्यम की सी प्रेरणा और लचीलापन भी पाया जाता है, जिससे हमें यह स्पष्ट होता है कि व्यवसायिक और निजी क्षेत्र में राज्य का प्रभाव प्रवेश ही इसका परिणाम है। लोक निगम आधुनिक युग में के वैज्ञानिक आविष्कार क्या कहते थे, जब संचार के विकास हुए तथा उनके कारण राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में पदार्पण अर्थात उनका जो पदार्पण था वो अनिवार्य हो गया। राज्य के कुछ व्यापार और उद्योगों का नियंत्रण भी करते थे, राज्य के अंदर जो कुछ थे वो क्या करते थे, उनका जो बिजनेस था और जो इंडस्ट्री उद्योग धंधे थे उसके ऊपर वो कंट्रोल करता था तथा कुछ को अपने हाथ में ले लेता है। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले उपयुक्त संगठन की अवस्था पड़ती है। अगर ये कार्य करना है, उद्योगों का नियंत्रण करना है, तो उस कुछ अपने हाथ में ले लेते थे, इसके लिए एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है उपयुक्त संगठन। लेकिन राज्य सरकार के संगठन पर लाल फीताशाही, निर्णयों की देरी, कार्य कुशलता का अभाव, अधिकारियों की तानाशाही, बहुत सारे अधिक आरोप भी लगाए जाते हैं। लोक निगम के अंदर डीवीसी है, दामोदर वैली डी से दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम, आईओसी क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इंडियन एयरलाइंस है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और सभी विद्यार्थी ध्यान रहे कि आप सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं, पुस्तक का सहारा भी लें और
प्रीवियस वीडियो का लिंक आप YouTube में देखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा।